योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, बाहें शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहे। अपने शरीर को, कंबल को, वस्त्र को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आपको योग निद्रा के दौरान अपने शरीर को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। घड़ी है, बेल्ट है, चश्मा है, सबको लूज कर दीजिए। अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। किसी प्रकार की शारीरिक असुविधा नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद और योग निद्रा के दौरान आंखों को बंद ही रखिएगा। योग निद्रा में आप केवल सुनने और अनुभव करने की क्रिया के प्रति जागरूक रहेंगे। जब आपका शरीर व्यवस्थित हो जाता है, जब शरीर में कोई कड़ापन नहीं रहता, तब आप अपने मन में कहिए कि अब मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं सोऊंगा नहीं, मैं केवल निर्देशों को सुन करके उसके अनुसार अपने मन को शरीर में या आंतरिक अनुभवों में जोड़ते रहूंगा। मन को शरीर से जोड़ना है, मन को आंतरिक अनुभवों से जोड़ना है। सोना नहीं है, सजग रहना है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। अब आप पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाइए। एक लंबी और गहरी श्वास लीजिए और अपने आप को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले आइए। अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों पर ले जाइए। अपने कानों को चौकन्ना रखिए। जैसे एक टेप रिकॉर्डर का माइक्रोफोन सभी ध्वनि को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से आपके कान सभी आवाजों को सुन लेते हैं, लेकिन अपने मन को किसी एक ध्वनि में, एक आवाज में नहीं टिकाना है। सभी आवाजों को सुनते हुए मन को एक आवाज से दूसरे आवाज की ओर ले जाना है। दूर की आवाज, नजदीक की आवाज, जोर की आवाज, धीमी आवाज, चलने की आवाज, बात करने की आवाज, कुर्सी हिलने की आवाज,
बच्चों की आवाज, गाड़ी की आवाज, मोबाइल की आवाज, सभी आवाजों के प्रति, सभी ध्वनियों के प्रति सजग हो जाइए और अपने मन को एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि में लेते जाइए। अपनी सजगता को एक से दूसरी आवाज की ओर ले जाइए। बिना जाने की आवाज किस चीज की है, केवल आवाज को सुनते जाइए। सोना नहीं, सोना नहीं। अब बंद आंखों से इस कमरे की दीवारों को, छत को और जमीन को देखिए। आपका लेटा हुआ शरीर अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। शारीरिक स्थिति के प्रति सजग बने रहिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा है, आपकी पूरी सजगता अपने शरीर की स्थिरता पर रहे। अब अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास गहरी, स्वाभाविक और सहज है। श्वास में मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं, इससे स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी। मेरी आवाज को सुनते रहिए और अपने श्वास के प्रति सजग बने रहिए। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप मन ही मन कहिए कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं, योग निद्रा में मैं सजग रहूंगा। अब संकल्प लेने का समय है। आपने पूर्व के योग निद्रा में कोई संकल्प लिया होगा, वह संकल्प सरल और स्पष्ट होना चाहिए। जिस संकल्प को आप अपनाए हैं, उस संकल्प को स्पष्टता से, पूर्ण आत्मविश्वास और सजगता के साथ अपने मन में 3 बार कहिए। अब अपनी चेतना को हम शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे। जितनी शीघ्रता से संभव हो, उतनी ही शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाएंगे। अगर मैं शरीर के किसी अंग का नाम लेता हूं, तो मेरे साथ आप उस नाम को मानसिक रूप से दोहराना, उस अंग को मन में देखना, उस अंग के प्रति सजग हो जाना और उस अंग को विश्राम के स्थिति में ले आना। इस प्रकार हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों से घुमाएंगे, पूर्ण सजगता के साथ। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, चारों अंगुलियां और अंगूठा एक साथ, हथेली,
हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहुनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, कमर, नितंब, दाएं जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाया पंजा, पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पूरा दाया भाग। अब अपनी चेतना को बाएं भाग में लाना, सोना नहीं। एक बार अपने मानसिक स्थिति को देख लीजिए और स्वयं को स्मरण दिलाइए कि मैं योग निद्रा कर रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, चार अंगुलियां और अंगूठा एक साथ, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहुनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, कमर, नितंब, बाएं जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पूरा बायां भाग। अब अपनी चेतना को पीठ पर ले आइए। दायां कंधा, बायां कंधा, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ। सोना नहीं है। पूर्ण सजगता के साथ मेरे निर्देशों को सुनते जाइए और जैसा कह रहा हूं वैसा मन में करते जाइए। अपनी चेतना को अब सामने ले आइए। ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का भाग, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। मस्तक, दाएं भौं, बाएं भौं, भ्रूमध्य, दाएं पलक, बाएं पलक, दाएं आंख, बाएं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिनी नासिका छिद्र, बाएं नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपरी होठ, नीचे का होठ, दोनों एक साथ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, बाएं छाती, छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, पेट का निचला भाग, पूरा दायां पैर,
पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, सामने का भाग, पूरा सिर एक साथ, पैर, हाथ, पीठ, सामने का भाग, संपूर्ण शरीर एक साथ। सोना नहीं है, याद दिलाइए स्वयं को कि मैं योग निद्रा कर रहा हूं, मैं निर्देशों का पालन कर रहा हूं। सोना नहीं, पूरे शरीर में एक सी चेतना बनाए रखिए, शरीर के प्रति सजग रहिए। पूरे शरीर के प्रति सजग रहिए, पूरे शरीर का ख्याल। अब संवेदनाओं की सजगता शरीर में, अपने शरीर में भारीपन की भावना को जगाइए। भारीपन की भावना, भारीपन का अनुभव, शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन की भावना के प्रति सचेत रहिए। पूरा शरीर भारी हो रहा है, पूरा शरीर भारी हो रहा है। जैसे जैसे शरीर में भारीपन का भाव बढ़ता है, वैसे वैसे लगेगा कि आपका शरीर जमीन में धंसते जा रहा है। भारीपन के प्रति जागरूक बने रहिए, भारीपन के प्रति सचेत रहिए। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव कीजिए। अब शरीर में हल्केपन की भावना को लाइए, हल्केपन की भाव को जगाइए। शरीर हल्का हो रहा है, शरीर का प्रत्येक भाग हल्का और भारहीन हो रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपका शरीर हल्का हो रहा है और वह जमीन के ऊपर तैर रहा है। हल्केपन की भावना के प्रति सजग बने रहिए। अब स्वयं का निरीक्षण कीजिए कि आप जगे हैं या आपको नींद आ रही है। अपने को मन में कहिए कि मैं जाग रहा हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। अब अपने मन के बंद आंखों के सामने के स्थान में, जिसे चिदाकाश कहते हैं, मन को ले आइए। कल्पना कीजिए कि सामने जो काला पर्दा दिखलाई देता है वह अनंत आकाश है। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, आप अपने भीतर आकाश का विस्तार ही विस्तार देखते हैं। इस अंधेरी जगह में
मन को एकाग्र कीजिए और जो कुछ भी इसमें दिखलाई देता है वो आपके मन की ही स्थिति है। चिदाकाश को देखते जाइए, कभी कोई रंग उभरता है, कभी कोई आकृति उभरती है, कभी प्रकाश का अनुभव होता है, कभी अंधकार का अनुभव होता है। जो भी हो रहा है केवल साक्षी भाव से देखते जाइए, उस अनुभव में लीन नहीं होना है, केवल साक्षी भाव से उस अनुभव का को देखना है। जो कुछ भी दिखलाई देता है वह आपके मन की ही स्थिति है। साक्षी भाव से अपने चिदाकाश को देखते जाइए। कल्पना कीजिए कि प्रातःकालीन समय में आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं, सूर्योदय नहीं हुआ है और उस बगीचे में एकमात्र आप ही हैं। कल्पना कीजिए, यह बगीचा बहुत सुंदर और एकदम शांत है, घास पर ओस पड़ी है, आप ओस वाली घास पर चलिए, पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं। उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, अनेक रंग के फूल हैं, उन्हें देखिए। गुलाब, अलग अलग रंग के गुलाब, अलग अलग रंग के पुष्प, इन पुष्पों की खुशबू दूर तक महक रही है और उन फूलों के पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें हैं उन्हें आप देख रहे हैं। पास में ही एक तालाब है जिसमें मछलियां तैर रही हैं। आप बगीचे के सुंदर पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं, कुछ पेड़ पत्तेहीन हैं और कुछ पेड़ों पर पत्तियां हैं। बड़े बड़े फैले हुए पेड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच आप चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सुंदर मंदिर है, एक सुंदर स्थान है, उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल है। जब आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं तब आपको दीवार पर लगे बहुत सारे संतों के चित्र दिखलाई देते हैं। उस स्थान के जमीन पर आप बैठ जाते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और शांत तथा स्थिर हो जाते हैं। वहां पर बैठ करके उस सुंदर क्षेत्र में आप गहरी शांति और सामंजस्य का अनुभव कर रहे हैं। जब तक आप वहां पर बैठे हैं शांति और सामंजस्य का अनुभव हो रहा है। अब पुनः अपनी चेतना को बंद आंखों के सामने चिदाकाश में ले आइए। उस चिदाकाश के अंधकार को सावधानी से देखिए, साक्षी भाव से देखिए। चिदाकाश में शांत भाव
का अनुभव कीजिए। यदि उस मानस पटल पर चिदाकाश में कोई दृश्य, रंग या रूप दिखलाई देता है तो सजग होकर उसे देखते जाइए। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, परंतु साक्षी भाव से उस काले पर्दे पर अपनी सजगता को बनाए रखिए। अब अपने संकल्प को याद कीजिए, वही संकल्प जो आपने योग निद्रा के पूर्व लिया था, उसे स्पष्ट रूप से प्रबल भावना के साथ मन में 3 बार दोहराइए। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी कीजिए, मानसिक रूप से इस कमरे की छत और दीवार और कमरे को देखिए, कमरे के अंदर और बाहर के शोरगुल को सुनिए और अपने मन को पूरी तरह से बाहरी आवाजों की ओर ले आइए। कुछ समय तक शांत आंखें बंद करके लेटे रहिए और अपने मन को पूरी तरह बाहर के वातावरण से, बाहर की आवाजों से जोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए, जल्दी नहीं कीजिए, पैरों को हिलाइए धीरे धीरे, हाथों को हिलाइए, सिर को हिलाइए, गहरी श्वास अंदर लें और धीरे से पूरे शरीर को तानिए और फिर चुपचाप आँखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए, आंखें खोलना नहीं है। आंखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ जाइए, इस तरफ मुंह करके एक आरामदायक आसन में। मेरुदंड को सीधा रखिए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर या शरीर के सामने, जहां पर भी ज्यादा आराम रहे। एक बार अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए, एक सहज सरल आसन में आप बैठे हैं, मेरुदंड सीधी है, दोनों हाथ विश्राम की अवस्था में या तो घुटने के ऊपर या फिर शरीर के सामने रखे हुए हैं और आंखें बंद हैं। इस अवस्था में पूरे शरीर का ख्याल कीजिए, सिर से लेकर पैर तक एक नजर में, एक दृष्टि में अपने पूरे शरीर को देखिए। अब शारीरिक स्थिरता का अनुभव करते हुए अपने श्वास के प्रति सजग हो जाइए। आपका शरीर स्थिर है, मूर्तिवत है, शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं। 5 मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाना नहीं, 5 मिनट के लिए अपने शरीर को पूर्ण स्थिरता में रखना है।
एक मूर्ति की भांति आपका शरीर स्थिर है। और इस स्थिर शरीर में श्वास की क्रिया चल रही है, सहज श्वास। कल्पना कीजिए कि एक पारदर्शी पाइप नाभि से भ्रूमध्य तक है और उस पारदर्शी पाइप के भीतर आप अपने श्वास को ऊपर और नीचे आते देखिए, अनुभव कीजिए। जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर के मशीन में मरकरी ऊपर और नीचे की ओर आता है, उसी प्रकार से श्वास को आप ऊपर और नीचे की ओर आते और जाते अनुभव करते जाइए। जब हम श्वास लेते हैं तो नाभि से श्वास भ्रूमध्य तक ऊपर की ओर आती है और श्वास छोड़ते समय भ्रूमध्य से नाभि तक श्वास नीचे की ओर आती है। शारीरिक स्थिरता और श्वास के आरोहण एवं अवरोहण के प्रति सजग बने रहिए। जब श्वास ऊपर की ओर आती है तब उसे आरोहण कहते हैं और जब श्वास नीचे की ओर जाती है तब उस प्रक्रिया को अवरोहण कहते हैं। श्वास के आरोहण और अवरोहण को देखते जाइए। श्वास को ऊपर और नीचे आते और जाते देखते जाइए। श्वास की गति को परिवर्तित मत कीजिए, केवल साक्षी भाव से देखना है। मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। अब हम लोग श्वास के साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले आप सुनिए और फिर आप भी शामिल हो जाइए अपने गति में, और जो मंत्र का स्पंदन है उस स्पंदन को अपने पूरे शरीर में वाइब्रेट करते और पूरे वातावरण में वाइब्रेट होते देखिए। ओम करते जाइए। Om 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 Om
करते जाइए। करते जाइए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लंबी और गहरी श्वास के साथ लंबे ओम मंत्र का उच्चारण हम लोग करेंगे 3 बार। हमारे बाद में दोहराइएगा, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय स
सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां शान्तिर् भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। धीरे से आंखें खोल लीजिए।